नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल न्यूज ऑन दी वेनेस। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं हाउ टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट और मोर देन टू ऑब्जेक्ट, एक बहुत ही आसान मेथड से। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ न्यूज ऑन दी वेनेस। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो का पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलना और हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन दी वेनेस। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है व्हेन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट, व्हेन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, देन वी कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, देन दिस कंपेयरिंग वेलोसिटी कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। मीन्स डैट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट जो हमारा ए वेलोसिटी से मूव, ए कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, हम ए का वेलोसिटी फाइंड करते हैं बी के रेस्पेक्ट में या बी का वेलोसिटी फाइंड करते हैं ए के रेस्पेक्ट में, इसी कंपेयरिंग वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम देखते हैं हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कंस्टिट्यूट केस फर्स्ट। रिलेटिव वेलोसिटी तीन केस से होता है, तो हम फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा है टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन सेम डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बी है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू अपना मोशन कंटिन्यू करता है। तो हमको देखना ये है, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम इसको लिखेंगे वी ए बी, इसको हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ मूव कर रहा है, तो हमको ए का वेलोसिटी फाइंड करना है बी के रिस्पेक्ट में। तो हम करेंगे सबसे पहले, हमको वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करना है, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं वी ए हमारा वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी फाइंड करना है बी के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, मीन्स डैट हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करना पड़ रहा है, क्या कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारा ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमको दोनों के बीच का मतलब हम एक तरफ से कहें हमको ए का वेलोसिटी फाइंड करना है बी के रेस्पेक्ट में, तो हम ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। क्या है कि अगर दोनों अगर रेस्ट में रहता है तो हम किसी और मेथड से फाइंड करें, लेकिन दोनों मूव कर रहा है हमेशा इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो हमको यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, इसी कारण वी ए माइनस वी वी हमें यहाँ पे किए। हम दूसरा देखते हैं वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो हमको बी का वेलोसिटी फाइंड करना है ए के रिस्पेक्ट में, तो हम सबसे पहले यहाँ पे वी बी लिखेंगे और हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है मीन्स माइनस वी ए, तो हमारा क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। हम वी बी का वेलोसिटी को वी ए माइनस से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वी बी ए निकल जाएगा, मीन्स हमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। हम दूसरा केस देखते हैं, ये हमारा केस फर्स्ट था। हम दूसरा केस देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बी है, इन दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ तो था सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं क्या होता है हमारा, तो हमको यहाँ फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। हम इसको इस तरह लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। हमारा ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कुछ समय बाद यहाँ पे आएगा कुछ समय बाद यहाँ पे आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है दोनों का, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम अलग अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में एक दूसरे के करीब आ रहा है, तो हमको रिजल्टेंट यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, तभी ना हम इन दोनों के वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी फाइंड कर पाएंगे। तो हमको इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे वी ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो हम अगर वी ए माइनस वी बी करें, वी ए माइनस वी बी करें, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो मीन्स हमारा वी ए माइनस वी बी तो हम करेंगे, लेकिन अगर वी बी का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इसको वी बी माइनस में हमारा आ जाएगा। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो वी ए
प्लस वी भी हमारा आता है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी नहीं फाइंड कर सकते। मेरा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हमको ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ये यहाँ तो हम लोग फाइंड किए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो हमको इस तरह फाइंड करने के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी लिखेंगे हम, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका माइनस वी ए, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा वी बी प्लस वी ए। तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए फाइंड कर सकते हैं। किया क्या हमने यहाँ पे वी बी, सबसे पहले हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस वी ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में था, इसका हम दोनों जगह प्लस डालें और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए निकालना है, तो वी बी प्लस वी ए किए। और हम देखते हैं थर्ड केस, तो हमारा ये सेकेंड केस था, और हम देखते हैं थर्ड केस। तो हमारा थर्ड केस अगर हम देखें तो हमारा आता है, इसमें तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का था इसमें, लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो थर्ड केस हमारा है, केस थर्ड हमारा है एक ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो हमको इसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना। अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी किसके किसके बीच का हम फाइंड करेंगे। तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमको फाइंड करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमारा अर्थ है जो कि हम इसको ग्राउंड बोल रहे हैं, हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राउंड, या ग्राउंड कह सकते हैं सिंपली। तो हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम मान सकते हैं तो वी ए जी इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी ऊपर है और ग्राउंड जो हमारा नीचे है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा वाला देखें तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। तो हम अगर वी जी ए फाइंड करें तो वी जी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इस तरह से वी ए जी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी जी, और वी जी ए इक्वल्स टू वी जी माइनस वी ए। तो हम इस तरह से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब कंपेयरिंग वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं। हम सिंपली कहें हम यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, या एक ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं अर्थ के वेलोसिटी से, तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है वी ए, बस हमको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, हमको बस इतना रिमेंबर रखना है कोई दो ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तो हमको रिजल्टेंट फाइंड करना, मतलब दोनों के वेलोसिटी को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा एक का वेलोसिटी फाइंड करेगा, या इसका वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसके वेलोसिटी में से हम वेलोसिटी बी का ऑब्जेक्ट बी का हम माइनस कर दें तो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी ए आ जाएगा। वही अगर हम कहें अगर हमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो वी बी माइनस वी ए कर देंगे। इस तरह से बहुत ही सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।